और ईसा जैतून पहाड़ गए। वे बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वे बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया, आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने ईसा की परीक्षा लेते हुए ये कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। ईसा झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वो इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वे फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक कर खिसक गए। ईसा अकेले रह गए और वो स्त्री सामने खड़ी रही। तब ईसा ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहां हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, इस पर ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करो। संसार की ज्योति। ईसा ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। आप अपने विषय में साक्ष्य देते हैं, आपका साक्ष्य मान्य नहीं है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूं, फिर भी मेरा साक्ष्य मान्य है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया और कहां जा रहा हूं, परंतु तुम लोग नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूं तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। तुम लोगों की संहिता में लिखा है कि दो व्यक्तियों का साक्ष्य मान्य है। मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूं और पिता भी, जिसने मुझे भेजा, मेरे विषय में साक्ष्य देता है। इस पर उन्होंने ईसा से कहा, कहां है आपका वो पिता? उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग न तो मुझे जानते हो और न मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जान जाते। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए ये सब खजाने के पास किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि तब तक उनका समय नहीं आया था। अविश्वासी यहूदियों को चेतावनी। ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं ये आत्महत्या तो नहीं करेगा? ये तो कहता है मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं, इसलिए मैंने तुमसे कहा
कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? ईसा ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूं? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूं, किंतु मैं संसार को वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा, क्योंकि वो सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वे उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो ये जान जाओगे कि मैं वही हूं और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूं वैसे ही कहता हूं जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें ये सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप ये क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकती। मैंने अपने पिता के यहां जो देखा है वही कहता हूं, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहां जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना वो तुम लोगों को बता दिया, ये इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते। उन्होंने ईसा से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए, हमारा एक ही पिता है और वो ईश्वर है। यहूदियों का पिता। ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूं और उसके यहां से आया हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, मुझे उसी ने भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? कारण ये है कि तुम मेरी शिक्षा सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वो तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। मैं सत्य बोलता हूं, इसलिए तुम लोग मुझ में विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है?
यदि मैं सत्य बोलता हूं तो तुम मुझ में विश्वास क्यों नहीं करते? जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। तुम लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम ईश्वर की संतान नहीं। ईसा और इब्राहिम। यहूदियों ने ईसा से कहा, हम सच कहते हैं कि तुम समारी हो और तुमको अबदूत लगा है। ईसा ने उत्तर दिया, मुझे अबदूत नहीं लगा है। मैं अपने पिता का आदर करता हूं, तुम लोग तो मेरा अनादर करते हो। मुझे अपनी महिमा की चिंता नहीं, उसकी चिंता किसी दूसरे को है। वही निर्णय करता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अबदूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वो मर गए और नबी भी मर गए। तुम अपने को समझते क्या हो? ईसा ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूं और उसकी शिक्षा पर चलता हूं। तुम्हारे पिता इब्राहिम ये जानकर उल्लासित हुए कि वो मेरा आगमन देखेंगे, और वो उसे देखकर आनंद विभोर हुए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूं। इस पर लोगों ने ईसा को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वो चुपके से मंदिर से निकल गए।